सो इजी है अपाचे आरटीआर 160। और कल परसों मैंने वीडियो डाली जिसमें कुछ डिटेल्स जो है अधूरी रह गई थी, जैसे कि आपको मैंने इथेनॉल का जो प्राइस है वो नहीं बताया, उसके बाद में ये बाइक कब लॉन्च होगी वो भी जो है मैंने आपको आइडिया ही दिया था। लेकिन आज जो है सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं इस बाइक में जो है चेंजेस मैं आपको बता दूं पावर में होगा, माइलेज में होगा, उसके बाद जो इंजन है उसमें चेंजेस होने वाले हैं। सो चलिए इस बाइक के बारे में सारी डिटेल आपको दूं। उससे पहले जो है ना मैं आपको इनका जो स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट है ना वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना, अपने को मिनिमम 20% आप लाइक डलवा सकते हैं उसमें, और मैक्सिमम 85 जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। फ्लेक्स फ्यूल, फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है, इथेनॉल होता है भाई, जो मीठी चीज़ों से बनता है, गन्ने वगैरह से। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो गन्ने वगैरह लग रहे हैं, तो मतलब शो किया गया है। बहुत सारी पेट्रोल कंपनीज, फ्यूल कंपनीज यहाँ पे है, जैसे कि इधर कुछ है कंपनी एक दो, इधर यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम वगैरह का है, और पीछे जो है एक दो कंपनी और है जो कि प्रमोट कर रही है भाई इस फ्यूल को, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि ये जो फ्यूल है ना पोल्यूशन कम करता है, प्लस जो है आपको सस्ता भी पड़ेगा। जो इथेनॉल का जो प्राइस है ना वो लगभग 65 रुपीज पर लीटर के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, और उस चीज के लिए जो है ना आपकी अपाचे आरटीआर 164 भी जो है कैपेबल है कि ये आपको उस फ्यूल से जो है एक राइड दे पाए। तो यहाँ पे जो है मिनिमम आपको 15% जो है फ्यूल फिल कराना होगा, एंड आप लोग जो है फिर चला सकते हैं इसको इथेनॉल से। इथेनॉल जो है 65 का रेट है, तो सोच लो आप लगभग 35 रुपीज सस्ता आपको पड़ेगा। तो यार देखो, जो चीज सस्ती पड़ रही है और उस चीज से पोल्यूशन भी कम कर रही है आपकी बाइक, एंड यहाँ पे जो पावर है वो भी बढ़ रही है, तो क्या ही बुराई है। यहाँ पे जो माइलेज है ना वो जरूर इसकी थोड़ी सी कम होगी 4-5%, बाकी जो लाइक पावर वगैरह वो 4-5% यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो वो चीज है। बाकी इसमें कोई भी चेंजेस कंपनी ने यहाँ पे नहीं किए हैं। जो एग्जॉस्ट है वो लेटेस्ट वाला है जो अपन ने देखा था अभी 164 में, बिल्कुल सेम वही है। पीछे से भी टेल लाइट वगैरह, सीट वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर है। मेन जो चीज है वो FFT है जो इसके अंदर ऐड की गई है, और अप्रैल से जो है ना सभी पेट्रोल पंप्स पे आपको ये फ्यूल देखने को मिलेगा इथेनॉल, और थोड़ा बहुत पेट्रोल मिला उसके बाद आप चलाओ, मिनिमम जो है 20% इथेनॉल इसमें डलवा सकते हो। और यहाँ पे और भी कुछ बाइक्स है जैसे फेजर साइड में, तो इनके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं डिटेल में, जो कि कुछ चीज़ें अलग है अपाचे से, जैसे FZ में कुछ चीज़ें अलग है, तो वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल जो है ना इसकी जो जितनी भी डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी है। अभी आप लोग सोच रहे हो कि यार ये इंडिया में मिलेगी कब, कब आएगी। वैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो ग्राफिक्स है ना कुछ ऐसे ही आपको देखने मिलेंगे, और लास्ट टाइम भी जो इन्होंने 200 को शोकेस किया था जिसमें कि अपन ने फ्लेक्स फ्यूल देखा, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं आया इंडिया में। सो आई डोंट नो कि लाइक लास्ट टाइम इन्होंने इतना डिले क्यों कर दिया, बट अभी जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, इस साल के एंड तक आपको इथेनॉल से चलने वाली RTR 164 भी इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी। और ये जो बाइक है ना पावर आपको ज़्यादा देने वाली है कंपेयरिंग टू पेट्रोल इंजन। तो यहाँ पे क्या है, इंजन तो वही है बट टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंजमेंट करेंगे, उसके बाद क्या है इथेनॉल से जो है चलेगी, और यहाँ पे आपको माइलेज काफ़ी अच्छी मिलेगी क्योंकि सस्ता पड़ेगा इथेनॉल, तो क्या है ना अपने को काफ़ी सस्ती पड़ेगी बाइक, अपनी जेब पे भारी नहीं पड़ने वाली। तो आप लोग मेरे को बताओ कि आप लोगों को कैसी लगी ऑल न्यू अपाचे RTR 164V। यहाँ पे स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। बाकी प्राइसिंग वगैरह के बारे में आइडिया दूँ तो भाई देखो, जो लाइक पेट्रोल वाला मॉडल है ना उससे हो सकता है 20-25 हज़ार रुपये महंगी पड़े, बट फिर भी अपने को वसूल करा देगी ये कुछ ही महीनों में। तो मिलते हैं अभी गाइस नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट्स हो नीचे कमेंट करो, बाकी मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।